शीशे क्या है, भिंड की समस्याएं क्या है, उसका निदान हुआ? 2014 से पहले का जो भारत था और 2014 के बाद का जो भारत है वो हम लोगों के सामने है। 2003 से पहले के भी अपन भिंड की बात कर सकते हैं, चाहे आप लाइट के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, चाहे रोडों के क्षेत्र में बात करें, भिंड बहुत पीछे था। ये हम सभी भाई लोग बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं। आपके ही शहर के लोग तो कह रहे हैं भिंड अभी भी पीछे। वो उनका वहम है, वो सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं, बस झूठ की राजनीति करते हैं। आपका क्या मानना है, झूठ की राजनीति? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा के लोग तो सिर्फ दम भरते हैं झूठा। इनके पास कोई ना तो नीति ना नियत है इनकी काम करने की। पिछले 35 साल में भिंड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ अकेली संध्या राय जी पिछले गजब देखिए बगल में बैठे हैं और यहाँ पर मतभेद गजब है, तालियां बजा दीजिए इस मतभेद के नाम पे। पिछले 5 साल का तो छोड़े, 35 साल का बता दें कि भिंड में कोई विकास हुआ हो? शिक्षा के क्षेत्र में जीरो, चिकित्सा के क्षेत्र में जीरो, मेडिकल कॉलेज आया बाहर चला गया, सैनिक स्कूल आया भिंड में बाहर चला गया। हमारे भिंड में इस हाईवे पर, नेशनल हाईवे 2 पर डे 1.5 मौत होती है। क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेसमैन हूँ, बेरोजगार हूँ, वैसा तो क्या है, बिजनेसमैन है फिर बेरोजगार है? मतलब बिजनेसमैन और बेरोजगार है। महिलाओं के पास मैं जरा जाऊंगी, देखिए महिलाएं मेरे साथ हैं। मुझे बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर रैली करके गए, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में हम पहुंचा देंगे 1,00,000 रुपए, 8,500 हर महीने देंगे। इससे कितना खुद को सशक्त महसूस करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गारंटी। ये झूठ बोलते हैं राहुल गांधी जी। ये बताइए, जब ये 2014 से पहले इनकी ही सत्ता थी, ये सत्ता में थे, इन्होंने क्या किया? इनको सत्ता में होते हुए भिंड में, लोकसभा दतिया भिंड में, इनको 35 साल से जनता क्यों नकार रही है? इनमें कमियां हैं इसलिए नकार रही है। और रही बात ये, अभी आपकी एक बहन मैं जरा कांग्रेस वालों से सवाल पूछवा देती हूँ। देखिए, आप एक तरफ दम भर रहे हैं, बघेल साहब मैं आपसे पूछती हूँ, देखिए महिला खड़ी है, ये कह रही भाई क्या किया 35 सालों में, कुछ किया नहीं, आप कह रहे हैं आप तो करेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं? जरा जवाब दीजिए महिला को, देखिए वोटर सही है, सम्मान करिएगा, बोलिए। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और दुश्मनों को तोड़ने की बात करती है, भाजपा देश को तोड़ने की बात करते हैं। उदाहरण आपको दे दें, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े के दुश्मन को तोड़ा, ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाने के अलावा देखा, किसानों की बात नहीं करते, नौजवानों को रोजगार नहीं देते, किसानों को उचित मूल्य का दाम नहीं देते, ये सारी बातें। अरे इन्होंने तो कुछ और पूछा, आप क्या पूछा प्रश्न बताइए, आप प्रश्न बताइए उत्तर देंगे हम, बताइए। मैंने ये पूछा कि 35 साल से कांग्रेस को जनता क्यों नकार रही है लोकसभा से? भैया बता रहा हूँ, 35 साल से नकार रही है, आज समझ में आया है, अब की बार हम डंके की चोट कहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1,00,000 वोटों से आगे जा रही है, कोई दुनिया की तरह हरा नहीं सकती, 1,00,000 वोट से आगे यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और मुरैना जीतेगी, ग्वालियर जीतेगी और भिंड जीतेगी, तीनों सीटें का चैलेंज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मुरैना जीतेगी, अभी कल मुरैना से इनके वर्तमान विधायक और इनके महिला का नाम उनका महापौर से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन, देखिए इसका जवाब ये है, सुनो पहले, ये क्या विकास करेंगे क्या? रही बात महिला की, ये जो कह रहे फूल सिंह भर रैया, अभी हम एक वीडियो दिखा दे, फूल सिंह भर रैया ये कह रहे हैं, बहुत चल रहा है। हाँ, महिलाओं की इज्जत किससे की है? एक कुत्ते से, तो महिला ने दिखा देगी, ये जवाब तो सुन लो। बघेल साहब जरा मैं आ रही हूँ आपके पास, बघेल साहब एक बात बताइए, वो ही कह रही है इनका ऐसा है कि जो लोग दे दीजिए आज आप दे रहा हूँ, जो लोग डर गए वो संघ में गए और जो लोग हिम्मती हैं वो कांग्रेस के संघ में। तो आपके साथ ही तो छोड़ दिया ना, मुरैना वाले इनको क्या करेंगे? मैं ये कहता हूँ रामनगर, अच्छा छोड़ा क्यों? वो डर गए इसलिए चले गए। हाँ डर गए सब, डर देखो प्रलोभन डर गए दो, हाँ डर गए। मैं जरा विजय जी से बात करूं, सीआईडी ईडी दुनिया भर के मुकदमा, अभी हमारा एक विधायक तोड़ा है। आपने उन महिला के लिए बात नहीं की, आपने तमाम मुद्दे मुझे बता दिए। नहीं महिला के जवाब दे, कॉन्फिडेंस बघेल जी का ही आपका भी है साथ में, बिल्कुल। ये बात क्या कमाल, ये बात निश्चित है, भिंड जिले में पहली बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार फूल सिंह भरैया जीतने जा रहे हैं। ये अखिलेश यादव के लोग जो चाहने वाले लोग हैं, उस सब अखिलेश के राहुल के चाहने वाले जी, अखिलेश यादव राहुल गांधी के दोनों लोगों को चाहने वाले लोग एक साथ मतदान करने वाले हैं। एक साथ मतदान कर रहे हैं राहुल और अखिलेश यादव, दोनों लोग मिलकर जुबान में वही आ जाता, कोई बात। और ये इटावा से लगी हुई लोकसभा है, इसलिए असर होगा जी, इसीलिए असर होगा, इसलिए पूरा असर है, पूरा बॉर्डर का असर है। उत्तर प्रदेश से है, इसीलिए मैंने अपने शो में कह भी दिया था कि उत्तर प्रदेश का असर दिखता है, इटावा का लगा हुआ असर है, इसलिए इटावा से लगा हुआ है, इसलिए अखिलेश भैया की चलेगी। आप लोग तालियां नहीं बजा रहे इनकी बात पे। दिलीप जी, ये कहा जा रहा है आप लोगों ने तो यहाँ पर मुकाबला ही त्रिकोणीय कर दिया एंट्री मार के।
देखिए त्रिकोणी सिर्फ नहीं है, एक तरफा मुकाबला आपको नजर आएगा एक दो दिन में। किसके आए, किसके? देखिए बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से की जो सांसद महोदया उनकी लोग सकल नहीं देखना चाह रहे हैं, कांग्रेस के जो महाशय हैं प्रत्याशी हैं उनको कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इस प्रकार की मानसिकता जो महिलाओं को कुत्ते किससे तुलना कर सकता है, सोचिए वो शख्स की मानसिकता कितनी गंदी होगी। इस प्रकार का पूरे क्षेत्र में जो महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। दिलीप जी ये आपसे देखिए मैंने बात कही आप लेकिन है बड़े साफ गोई आदमी, कह रहे हैं देखिए किसी की लहर नहीं एक लहर है सिर्फ है बीएसपी की लहर। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो हमारे साथ बीएसपी के नेता है वो कह रहे हैं भाई किसी की लहर नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ एक है वो देश समझ नहीं रहा। जिसकी लहर उत्तर प्रदेश में नहीं बची वो मध्य प्रदेश में क्या करेंगे, इनकी तो जमीन खिसक गई। और रही बात कांग्रेस की, तो जिस प्रकार से उनका प्रत्याशी विष घोल रहा है ना, वो इतना जहरीला है वो समाज में विष घोलेगा और समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो कांग्रेस की जो नीति है ना वो विध्वंस और भ्रम फैलाकर समाज को तोड़ने की नीति है, इसलिए ये भिंड के पटल पे नहीं चलेगा। भिंड में केवल राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी लोग चलेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगा इस बार 4 लाख से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। अच्छा आप कह रहे हैं 4 लाख से होगा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं 1 लाख से होगा, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? यहाँ पे हर कोई कह रहा है 1 लाख 2 लाख 5 लाख। आज जो आपने कार्यक्रम रखा ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कांग्रेस जब से 35 साल से पीछे गई है अब वो झूठ का सहारा लेते हैं। और एक मेरा भाई इधर बैठा है वो अभी अभी आप में था अब कांग्रेस में आ गया, भैया अभी थोड़ा कम करो और इस भिंड को विकास की गंगा में ले चलो। बहुत अच्छी बात है विकास की गंगा में ले चलो। भाई साहब आप बताइए विकास की गंगा बह रही है कि नहीं? सीवर आपसे मत लड़िए भैया, सीवर लाइन का काम यहाँ नहीं हुआ जब कितना पैसा यहाँ आया और ये पैसे का पता नहीं कितना विकास हो जाता उसमें, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आपकी नजर में क्या काम? कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं है कि गिनवा दीजिए। चंबल का पुल 6 महीने से बंद है। बहुत फिर आते जाते 11 महीने हो गए, कैसे उस पर काम हो रहा है? पुल हो गया सीवर हो गया 11 महीने से चंबल का पुल बंद है, सिंधु के सारे पुल टूटे डले हैं, आज तक कोई नेता चर्चा नहीं करता सिवाय भ्रष्टाचार के, भिंड जिले में कुछ नहीं बढ़ा। बढ़िया काम हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है, हर व्यक्ति के लिए रोजगार मिला है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको रोजगार न हो। तो कोई भिंड की जनता बहुत चला के एक तरफ कह रहा है विकास नहीं, एक तरफ कह रहा है बहुत विकास हुआ, किस पे यकीन करें? गजब है, गजब है। बताइए क्या हुआ, विकास हुआ? ये अपनी अपनी पार्टी है, जो बीजेपी वाले विकास बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले विकास नहीं बोल रहे। जनता है सब, कोई विकास नहीं हुआ या धरातल पे। मुझे जरा 10 सेकंड में जवाब दीजिए, जनता कह रही कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ, ना ब्रिज बना ना सीवर का काम हुआ, क्या कर रहे हैं आप लोग 35 सालों से कमान दे रखी है? बताइए 35 साल ये प्रमाण है इस बात का, और आगामी 4 जून पुनः भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र का प्रमाण होगा इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या विकास किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, अभी देखो ये तो सुबह जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि आज कौन कौन से जो मैंने कार्यक्रम चलाया मैडम, न्यू ज्वाइनिंग कल ही देखो आप इनके अपोजिशन लीडर रहे रावत जी, महापौर जी, हमारे यहाँ मोदी जी की नीतियों से राष्ट्रहित में जो देश के कल्याण के लिए जो नीतियां हैं जो योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर प्रतिदिन निश्चित तौर पर, अभी भी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको कमल जी आप कह रहे हैं नीतियों से प्रभावित होकर के, वहां पर बघेल साहब कह रहे हैं डर से प्रभावित। बघेल साहब का कहना स्वाभाविक है, बघेल साहब का कहना मैडम, बघेल साहब का कहना स्वाभाविक है। आपका जवाब हो चुका है। सर्वप्रथम पहले तो हम आर रिपब्लिक बार भारत से यह आग्रह करेंगे कि 5वां साल हमारे भिंड विधानसभा भिंड लोकसभा, सवाल किससे है? भिंड लोकसभा पहले आप पूरे आप डिबेट कराने आई हैं अपनी फॉर्म? अरे सवाल सवाल करिए ना। सवाल ये है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आज भिंड लोकसभा के, सब एक दूसरे से खतरा लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक खतरा है जो मौत का हाईवे 719 जो भिंड ग्वालियर इटावा को जोड़ता है, यहाँ आए दिन मौतें होती हैं, इस पे कौन सा जनप्रतिनिधि बोलता है? कौन वादा करता है कि हम इसको 6 लेन बनाएंगे, इस पे डिवाइडर डालेंगे? यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के लिए प्रत्येक विधानसभा में हम एक एक इंडस्ट्री खोलेंगे, चाहे भले ही 100 लोगों को रोजगार हम दे सके, इन बिंदुओं को लेकर मुकेश।